नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। करते हैं शुरुआत आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के मुलताई से, यह है नगरपालिका का स्वच्छ भारत अभियान। ऐसे काम करती है नगरपालिका, हर वार्ड में पसरी गंदगी, चार चार दिनों में आ रहे कचरा वाहन। भारत सरकार वृहद स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, घरों घर कचरा मांगने आता है, परंतु वर्तमान में इस कार्य में भारी स्थिरता देखी जा सकती है। अब यह आवाज सप्ताह में एक बार सुनाई देती है, क्योंकि कचरा वाहन प्रतिदिन की जगह कई कई दिनों में कचरा उठाने पहुंच रहे हैं। तब तक वार्डों में गंदगी का अंबार लग जाता है। नगर के लगभग सभी वार्डों का यही हाल है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए मुलताई से सैयद हमीद अली की रिपोर्ट। अपना नाम बताइए। सिराज खान, आजाद वार्ड मुलताई। ये कचरा यहाँ कई कई दिन नहीं उठता है, क्या परेशानी होती है? कचरा नहीं उठने से ये परेशानी है, ऐसा हमें ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर आजाद वार्ड मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण शायद भेदभाव भी किया जा रहा है। अच्छा, सैनिटाइजिंग वगैरह किया? सैनिटाइजर भी नहीं हुआ, उससे भी हमें ऐसा ही महसूस होता है कि सारे वार्ड मुस्लिम शहर में हुआ, लेकिन आजाद वार्ड में इस जगह पे सैनिटाइजर भी नहीं हुआ है। कचरे से और मैं अब्दुल शकील खान, आजाद वार्ड निवासी। हाँ सर, एक कचरे से पूरा वार्ड हमारा जो है ग्रसित है। ये आजाद वार्ड का मुख्य रास्ता है। हाँ, यहाँ से मतलब डेली सब्जी वाले, लेडीज और जेंट्स, उधर के मोहल्ले, जैन मोहल्ले के लगा हुआ है, मेन रोड से लगा हुआ है सर। ये कचरे से बहुत ज्यादा परेशानी है।